हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गेहूं आटे के गुपचुप। तो मैंने यहाँ पे इस वाले कटोरी में एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है और इसी कटोरी में लूंगी मैं एक कटोरी सूजी। क्वांटिटी मैं दोनों का सेम रख रही हूँ। देखिए, अब मैं यहाँ पे डालूंगी थोड़ा सा नमक, लगभग आधी छोटी चम्मच। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने डो को रेडी करके रख लिया है। तो यहाँ पे मैंने जैसे रोटी बनाते हैं सेम वैसे ही बना के रखा है। और मैंने यहाँ पे सूजी मोटा वाला लिया था, इस वजह से अब इसको थोड़ा सा 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, जिससे सूजी अच्छे से फूल जाएगा। तो मिलती हूँ 10 मिनट के बाद। एक प्लेट में मैं इसको रख देती हूँ। 10 मिनट हो चुका है, अब मैं ढक्कन निकालती हूँ और दिखाती हूँ। देखिए, अच्छे से फूल चुका है पूरा। अब मैं इसको थोड़ा सा एक बार और अच्छे से गूंथ लूंगी। देखिए, हमको डो इतना ही तैयार करके रखना है जैसे रोटी और चपाती बनाते हैं वैसे ही। तो इसको थोड़ा सा और मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। अब मैं इसका सबका छोटा छोटा लोई बना लूंगी। तो इस तरह से देखिए, इसको मैं पहले लोई बना देती हूँ। लोई बनाने के बाद हम सबको मैं गोल गोल करते जाऊंगी। इस तरह से देखिए, इन सबको मैं अच्छे से गोल करके रख दी हूँ। अब मैं इसको बारी बारी से बेलते जाऊंगी एक एक करके। मैं यहाँ पे आटा का इस्तेमाल कर रही हूँ, चाहे तो आप तेल भी रख सकते हैं इसके जगह। तो मैं इसको एक एक करके बेलते जाऊंगी। इस तरह से देखिए बेल ली हूँ। इसी तरह मैं सबको बेलते जाऊंगी अच्छे से। वो तो मैं रख लेती हूँ, बाकी को इसी तरह बेलते जाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, इन सबको मैंने अच्छे से बेल लिया है और यहाँ पे लगभग 40 गुपचुप बन चुका है। तो चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। और देखिए, यहाँ पे मैंने पहले से तेल को गर्म करने के लिए कढ़ाई में रख दिया था। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो मैं सबसे पहले इसमें डालती हूँ। और इसको ऐसे दबाते जाऊंगी। इसी तरह एक एक करके मैं सबको डालते जाऊंगी। पलट लूंगी थोड़ा अच्छे से, डार्क कलर आने तक मैं इसको फ्राई करूंगी। फ्रेंड्स देखिए, कितना बढ़िया फूल कर रेडी हो रहा है हमारा गुपचुप। देखिए, हमको दोनों तरफ अच्छे से फ्राई करना है जिससे ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अब इसको मैं पलट लूंगी और यहाँ पे देखिए आधा मैं निकाल चुकी हूँ।
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे गुपचुप बनकर रेडी है और देखने में कितनी यम्मी लग रही है। और मैं एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी बना है। ये देखिए आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है ये। तो चलिए इसका मसाला भी रेडी कर लेते हैं। एक और फोड़ के दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए आया ना आवाज़ कितना क्रिस्पी वाला। तो चलिए अब इसका मसाला रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स देखें यहाँ पे मैंने पहले से आलू को बॉईल करके रख दिया था, तो इसको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी स्पून की सहायता से। चाहे तो आप इसको हाथ में भी कर सकते हो। तो इन सबको मैं मैश कर ली हूँ। उसके बाद अब मैं यहाँ पे बॉयलर चना ली हूँ लगभग आधी कटोरी, तो इसको मैं इसी में मिक्स कर लूंगी। उसके बाद यहाँ पे मैं एक मीडियम साइज का प्याज ली हूँ जिसको मैं कट कर ली हूँ, इसमें मैं डाल दूंगी और फिर डालूंगी उसके बाद मैं आधी छोटी चम्मच मिर्च का पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। अब इन सबको मैं मिक्स कर लूंगी। देखिए यहाँ पर मसाला भी रेडी है। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा आज का गेहूं के आटे का गुपचुप और उसका मसाला। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स आज मैं बना रही हूँ पानी पूरी की खट्टी चटपटी पानी, जो कि मैं यहाँ पे ले ली हूँ इमली जिसे मैं पहले से अच्छे से भिगो के रख लिया था और ये अच्छे से भीग चुका है देखिए। तो इसको मैं अच्छे से मिला लूंगी और इसका बीज और जितने भी रेसे हैं वो सबको मैं निकाल के अलग कर लूंगी। इमली का जो रेसे था और बीज था उसको मैं अलग करके रख दी हूँ। अब इसको मैं साइड कर देती हूँ। अब साथ ही साथ यहाँ पे मैं लूंगी हरी मिर्च, लहसुन 1 इंच, अदरक का टुकड़ा और कुछ धनिया का हरा धनिया पत्ती। तो इन सबको मैं सिलबट्टे में अच्छे से पीस लूंगी। तो इसको मैं सिलबट्टे में सबको एक साथ डाल देती हूँ। सिलबट्टे में इसको पीसने से इसका स्वाद अलग ही आएगा देसी तरीका से। चाहे तो आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, बट मैं इसको सिलबट्टे में पीसूंगी। इस तरह से मैं इसको पीसते जाऊंगी। देखिए यहाँ पे पिसा हुआ चटनी रेडी है। अब मैं इसको इस इमली पानी में डाल दूंगी। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी नमक स्वाद अनुसार। आधी चम्मच नमक, अगर कम होगा तो हम बाद में टेस्ट के अकॉर्डिंग और डाल सकते हैं। अब इसमें मैं ठंडा पानी डालूंगी। इसको मिक्स कर दूंगी। देखिए ये पूरी तरह से रेडी है। देखने में ही दिख रहा है ना कितना अच्छा बढ़िया, खाने में उतना ही अच्छा ही लगेगा।
तो फ्रेंड्स रेडी है मेरा आज का गुपचुप पानी तीखा चटपटा। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय।